सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। मित्रों, 30 नवंबर को चंद्रग्रहण लगने वाला है, साल का आखिरी चंद्रग्रहण होगा। कैसा रहेगा धनुराशि वाले जातकों पर इसका प्रभाव, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया पे मित्रों पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ धनुराशि वाले जातकों के लिए ही वीडियो मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ये चंद्रग्रहण जो है धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। 30 नवंबर को साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा को पड़ने वाला यह ग्रहण रोहिणी नक्षत्र और वृष नक्षत्र में लगेगा। चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र का स्वामी माना जाता है, जो इस दिन वृष राशि में गोचर कर रहा होगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं की माने तो चंद्रग्रहण का सीधा असर मनुष्यों के जीवन काल पर पड़ता है। साल का आखिरी चंद्रग्रहण जो है धनुराशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या लाभ लेकर आएगा, आइए जानते हैं धनुराशि वाले जातकों के लिए जो चंद्र ग्रहण है कैसा रहेगा। पहले चंद्र ग्रहण का समय जान लेते हैं थोड़ा। दोस्तों, पंचांग के मुताबिक साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 यानी कि अगले सप्ताह के सोमवार को लगने वाला है। चंद्र ग्रहण दोपहर 1:02 से शाम के 5:23 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत, एशिया, अमेरिका, प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। तो इस साल चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ने वाला है। इसमें धनुराशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव विशेष करके पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो सबसे आगे बढ़ते हैं, जानते हैं धनुराशि वाले जातकों के लिए जो गोचर है कैसा रहेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के कारण जो है धनुराशि वाले जातकों को सेहत जो है खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है, इसलिए सेहत के प्रति थोड़ा आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव करने का प्रयास करिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, हानि हो सकता है वह या फिर वो इंसान आपको हानि पहुंचा सकता है। पैसे के लेन देन से आपको बचना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए। तो इन सब उपायों को आप करते हैं, इन सब सतर्कता आप जब बरतते हैं तो ये जो आने वाला समय है आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आप परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन सब सावधानियों को जरूर बरतिए। तो दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, धनुराशि वाले जातकों पे इसका क्या असर देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी मित्रों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। धनु की दुनिया पे मित्रों पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। ये चंद्र ग्रहण जो है इसमें आपके साथ नुकसान ना हो, कुछ बुरा ना हो, यही कामना करते हैं। जय भोलेनाथ।